नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर मर्क्यूरियस कोरोसियस के बारे में पढ़ेंगे। मर्क्यूरियस कोरोसियस, इसमें क्या होता है कि मर्क्यूरी के साथ में Cl2 जुड़ के SCCl2 हो जाता है। ये मिनरल किंगडम है, उसको पूर्व डॉक्टर भाई हनुमान ने किया था। अच्छा, इसका एक्शन ऑफ ड्यूरेशन, तो इसे 2 से 3 दिन का एक्शन ऑफ ड्यूरेशन होता है। इसका कॉमन नेम है कोरेसिव सप्लीमेंट और म्याजम है सिप्लिस। और इसका जो थर्मल है, टेम्परामेंट है वो कोल्ड चिली पेशेंट। अच्छा, सपेर एक्शन, इसका एक्शन सपेर और एक्शन, इसके बारे में देखो, जीआईटी ट्रैक के लोअर पार्ट पर एक्शन करेगा, इससे कोलोन और रेक्टम पर, और यूरिनरी ट्रैक के लोअर ट्रैक पर, जिससे ब्लडर और यूरेथ्रा। मतलब अपने इसको ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ेंगे। ये एक्शन जीआईटी के लोअर कोलन और रेक्टम पर, और यूरिनरी ट्रैक के लोअर ट्रैक, ब्लडर और यूरेथ्रा पर। अच्छा, माउथ और थ्रोट पे भी इसका एक्शन देखा गया है। अच्छा, इसमें जो, अच्छा, ये डिजीज ऑफ द मैन सिप्लेटिक अल्सर्स विथ कोरेसियो एक्रिड पस ब्राइट, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उसमें भी इसका एक्शन देखा गया था। अच्छा, अब इसके बाद अपन देखते हैं कि डिसेंट्री एंड समर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटेस्टाइनल कैनाल अक्रिंग फ्रॉम मे बी न्यू एम्बर्स। अच्छा, इस पेशेंट का देखो डिसेंट्री, और इसको अब अपन अभी ऊपर पढ़ा था कि ये जीआईटी ट्रे के लोअर पार्ट पर इंटेस्टाइनल में भी इसका एक्शन देखा गया है। अच्छा, टेनिसमस, अच्छा टेनिसमस जो वर्ड है, इसका हिंदी में वर्ड अगर देखा जाए तो अपन ये बोलते हैं कि एंटन। इसको हम एंटन यानी कि ऐसे ये एक रेक्टम। अब जो रेक्टम में देखो टेनिस में रेक्टम मतलब इसमें क्या होता है कि जो मल हो तो सर में है, उसका जो प्रयत्न करना उसको, तो अच्छा जैसे डायरिया में देखा जाए, स्टूल है, स्टूल है इसका, जिस नेक्स्ट मोमेंट का भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। तो इन सेंस द परकिंसन एंड द स्टूल हॉट होगा, स्केंटी होगा, ब्लडी भी होगा, सलामी होगा, एंड इसमें कटिंग पेन भी होगा और कोलिकली पेन भी होगा। अच्छा, इसमें टेनिसमस था ऑफ द ब्लडर, तो ब्लडर में भी वही है जो मतलब लोअर पार्ट में एक्शन करना, पहले भी अपने बर्निंग होगा, यूरेथ्रा और ये स्केंटी सुप्रेसिव इन द ड्रॉप्स में कम होगा, इसमें ब्लड भी होगा, तो ब्रिक डस्ट भी होगा, तो सेडिमेंट भी देखा गया, एल्यूमिनिया मतलब इसमें सेडिमेंट, जो एल्यूमिनियस सेडिमेंट भी इसमें देखा जाता है। गोनोरिया, गोनोरिया के सेकेंड स्टेज के अंदर ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है, उसके अंदर इसमें इस मेडिसिन का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है, और बर्निंग के साथ में भी इसमें टेंशन में, तो वो तो ऊपर हमने पढ़ लिया था। सो मच, थैंक यू। छोटा सा वीडियो है, तो अब अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा।